I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि की तैयारी सब घरों में चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हो कि मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ ये नए घर में और काफ़ी सारा काम अभी करना बाकी है, लेकिन आज का जो मेन चैलेंज है मेरा वो है मेरा एक रूम जहाँ पे मैंने नवरात्रि के लास्ट डे टेम्पररी वहाँ पे रखूँगी, टेम्पल को डेकोरेट करना चाहती हूँ। लेकिन उस रूम का जो हाल है वो बेहाल है, बहुत ही बुरा हाल है उस रूम का। एक्चुअली घर के काफ़ी सारे बाकी रूम्स में थोड़ा बहुत काम हो गया है, आई थिंक बहुत है, और बाकी सामान स्टोर का सामान चला गया है। हॉल अभी डेकोरेट करने वाला है, किचन मैंने थोड़ा बहुत सेटिंग कर दी है क्योंकि किचन बहुत मेन है जहाँ पे खाना बनाना है और सारा दिन तो यहाँ ही निकलता है ना, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत सेटिंग हो गई है। नॉट अकॉर्डिंग टू मी कि पूरा मेकओवर कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे चीज़ें मैंने पहुँचा दी हैं और धीरे धीरे सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ आज का जो चैलेंज है मेरा वो किस उस रूम को मैंने आज शाम तक कैसे भी कोशिश करूँगी कि उसका ख़त्म करूँ, लेकिन उसकी कंडीशन पहले आपको दिखाती हूँ। सो लेट्स सी द रूम फर्स्ट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ कर लीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, ये है वो रूम। आज एक्चुअली मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन बहुत काम है यहाँ पे और पहली बार मुझे फील हुआ कि यार काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं मेरे पास और अब काफ़ी सारे ड्रेसेस मैं डिस्कार्ड भी करने वाली हूँ, इसीलिए ये बॉक्स यहाँ पे रखा है। और थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया है वो है कि ये मेरा ड्रेसिंग टेबल जिसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा काम इसमें कर दिया है, अपनी सेटिंग थोड़ी बहुत कर दी है, यहाँ पे मेकअप वगैरह का सारा सामान रखा हुआ है ऑलरेडी, ये थोड़ा कर दिया था, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी सेटिंग हो गई है। सो ड्रेसिंग टेबल थोड़ा हो गया है, तो यहाँ पे मैंने टेम्परेरी टेम्पल ड्रेसिंग टेबल पे ही रखा है, लेकिन मैं अभी टेम्पल को यहाँ ला के रखना चाहती हूँ इस जगह पर। यहाँ पर ये मेरा मिरर, ज्वेलरी मिरर है, ये पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये कुछ अब इस तरह से दिख रहा है रूम। सो इसी को हम करेंगे सेटिंग। सो सबसे पहले चलो मैं आपको ये कबर्ड बताती हूँ, दिस वन। सो इसमें मैं ब्लैक और वाइट एक साइड में ऐसे करके कर रही हूँ, ऊपर मेरे पूरे बैग्स रहेंगे, हैंड बैग्स जो बाहर लेके जाती हूँ। अभी यहाँ पे मैं सारा कुछ ना कुछ रखूँगी और यहाँ पे मैं सूट्स रखूँगी अपने ट्रेडिशनल थोड़े सूट्स, येलो का मैं इस साइड में करूँगी येलो। बाकी ये अभी कवर्ड में इसमें पड़े हुए हैं कपड़े, इसमें भी है, इसमें भी हैं, और ये साइड मैंने करी है पूरी ब्लू ड्रेसेस एक साइड में कर दी हैं, और इस साइड में रहेंगी मेरी पिंक ड्रेसेस, येलो और रेड मैरून, मतलब ये जो शेड हैं इस तरह के ये सारे मेरे इस साइड में चले गए, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आगे के लिए। और ये कबर्ड में अभी ऊपर भी विंटर ड्रेसेस थोड़े डाल दूँगी, बाकी अभी सब निकाल के डालने वाले हैं। और यहाँ पे वो ड्रेसेस हैं मेरी जो मैं सिर्फ ट्रेडिशनल जो मैं अभी पूरी नहीं रखी हैं जो उनको मैं पहनूँगी कभी कभार, तो वो सारी ऑलरेडी वॉश्ड हैं और ड्राई क्लीन की हुई हैं, तो वहाँ ऊपर रख दूँगी। यहाँ कुछ साड़ियाँ रखूँगी। सो ये भी सामान ऐसे है। इस कबर्ड की स्पेशल ये जो फैसिलिटी है ये मुझे बहुत पसंद है।
फ्लावर ही क्यों लेती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे येलो फ्लावर थोड़ा ज्यादा क्यों लेती हैं? आई होप सो आपको आज का हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन ऑन कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। यस, और क्यूट क्यूट सी स्टोरीज देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। काव्या भी इंस्टाग्राम पे है क्रिएटिव बबली के नाम से है और मेरा भी है चीमा प्रीति के नाम से। आप उसको फॉलो कीजिएगा इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंजॉय ऑल द फेस्टिवल्स। सो टेक केयर, बाय 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 बाय। I spent the summer on you.